क्या आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का न होना कल्पना कर सकते हैं? नहीं ना। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है और कार्बन एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन का एक अभिन्न आधार होता है, जैसे प्रोटीन में डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, इन सभी में कार्बन होता है। कार्बन का जो महत्व है वो जैविक तंत्र में तो है ही, साथ ही साथ कार्बन बहुत सारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले जो पदार्थ हैं उसमें भी उपयोगी होते हैं। जैसे कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है। ग्रेफाइट पेंसिल के लीड में हम लगाते हैं, इसी तरह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो एल्यूमिनियम है उसका भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। एल्यूमिनियम एक ऐसा तत्व है जो कई सारे दूसरे तत्वों के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज, सिलिकॉन, कॉपर, इन सब के साथ मिलकर ये मिश्र धातु बनाते हैं। और जब ये मिश्र धातु बनाते हैं तो इनको कई रूपों में बदला जा सकता है, जैसे इसे तार का रूप, प्लेट का रूप, छड़ का रूप दिया जा सकता है, पाइप का रूप दिया जा सकता है। और इसके इसी गुण के कारण इसका प्रयोग बहुत सारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं में किया जाता है, जैसे भवन निर्माण में, वायुयान बनाने में, पैकिंग में, बर्तन बनाने में। तो इस तरह से हम एल्यूमिनियम के विभिन्न प्रयोगों को अपने जीवन में देखते हैं। तो ये जो दो तत्व की बात हमने की, वास्तव में ये दो तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के तत्व हैं। आज हम इन्हीं तत्वों से संबंधित जो समूह है उसके बारे में पढ़ेंगे। कार्बन 14th ग्रुप का एक एलिमेंट है और एल्यूमिनियम 13th ग्रुप का एक एलिमेंट है। साथ ही 13-14 ग्रुप के जितने भी तत्व हैं वो सभी हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखते हैं। आप सभी आवर्त सारणी को बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि आवर्त सारणी में मुख्य रूप से चार भाग होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। पी ब्लॉक को हम देखते हैं कि 13 से 18 वर्ग तक बांटा गया है। इसी प्रकार जो एस ब्लॉक है उसमें 1 और 2 वर्ग है। तो जो पी ब्लॉक होता है उसमें जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2NP1-6 तक होता है, हीलियम को छोड़कर। पी ब्लॉक के तत्व कुछ अलग व्यवहार इसलिए भी दर्शाते हैं क्योंकि एस और पी के बीच में जो डी ब्लॉक तत्व हैं उसमें हम देखते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए S से P तक जब हम प्रवेश करते हैं तो काफ़ी सारे गुण जो हैं वो अलग दिखाई देते हैं जो P ब्लॉक तत्वों को कुछ विशेष बनाते हैं। तो इस पूरे अध्याय में हम मुख्य रूप से P ब्लॉक तत्वों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे एवं 13th और 14th ग्रुप के जो तत्व हैं उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। इन दोनों वर्गों का जो प्रथम सदस्य है बोरॉन और कार्बन, इनके असंगत व्यवहार के बारे में सीखेंगे। कार्बन के जो दो मुख्य अपरूप हैं उनके बारे में जानेंगे। बोरॉन, कार्बन और सिलिकॉन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और उनके उपयोग के बारे में जानेंगे, उनकी केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। साथ ही 13-14 ग्रुप के जो तत्व हैं और उनके यौगिक हैं उनके गुणों के बारे में और उनके उपयोग के बारे में हम इस पूरे अध्याय में जानेंगे। तो इस तरह से पी ब्लॉक तत्व से संबंधित जो ये दो परिवार हैं, 13वां समूह एवं 14वां समूह, इनके बारे में तो हम जानेंगे ही, साथ ही पी ब्लॉक तत्वों के कुछ विशेष गुण होते हैं उसको भी हम जानेंगे। जैसे पी ब्लॉक तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वह पी उपकोश में प्रवेश करता है, इसी वजह से इसे पी ब्लॉक में रखा गया है। ये एक ऐसा परिवार है जिसमें कि धातु भी हैं, अधातु भी हैं और उपधातु भी हैं। ये प्रायः सहसंयोजी यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं। और जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं आप देखते हैं कि आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता जाता है और कई सारे ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एस और पी दोनों में प्रवेश करते हैं। जब हम बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं
तो NH2NP126 लिखते हैं। तो चूंकि यहाँ S उपकोष और P उपकोष दोनों में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, तो ये कई प्रकार के अन्य ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। इस परिवार के जो तत्व हैं वो ठोस, गैस, द्रव, इन तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इसमें ये देखा गया है कि ऑक्सीकारक प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त सारणी में, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वह बढ़ती है। और जब हम पी ब्लॉक में ही वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, तो जो अपचायक गुण है वह बढ़ेगा, क्योंकि आकार में वृद्धि होती है। ये सब हम आगे और जानेंगे। जैसा कि हमने ये सीखा कि पी ब्लॉक तत्व के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वे पी उपकोष में प्रवेश करते हैं, और इसी वजह से इन तत्वों को पी ब्लॉक में रखा गया है। तो पी ब्लॉक में 13 से लेके 18वां जो समूह है उसमें हीलियम को छोड़कर बाकी सभी के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह होगा NH2NP126। और इस पी ब्लॉक में आप देखिए बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सभी इसके शीर्ष तत्व हैं, अर्थात सबसे ऊपर वाले तत्व हैं, प्रथम सदस्य हैं। और इस सभी में हम देख रहे हैं कि पी में जो है वो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, और 1 से लेके 6 तक एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो उसका जो आंतरिक क्रोड होता है, अर्थात जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स के भरने का जो क्रम होता है, जैसा हमने देखा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बीच में हैं एस के और पी के बीच में, तो इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इसमें डी उपकोष में भी 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इस आंतरिक क्रोड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतर के कारण इस पी ब्लॉक के बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं, जैसे परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या या आयनन एंथैल्पी, इसके साथ साथ बहुत सारे जो रासायनिक गुण हैं वो भी इसे प्रभावित करते हैं। पी ब्लॉक तत्व के सामान्य गुणों के बारे में हम जानेंगे। तो पी ब्लॉक में चूंकि बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें एस और पी दोनों में ही इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं ऐसा हम देखते हैं, तो जो इसका ऑक्सीकरण अवस्था होगा वो S उपकोष में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन और P उपकोष में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों का योग करके हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकते हैं। यानी यहाँ संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के रूप में हम इसे कह सकते हैं, साथ ही इसकी जो वर्ग संख्या होगी उससे 10 कम करके हम इसके ऑक्सीडेशन अवस्था को समझ सकते हैं। जैसे यदि 13वें परिवार का सदस्य है तो 10 कम कर देंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। यदि 15वें परिवार का सदस्य है उसमें 10 कम कर देंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्रत्येक परिवार की, उसे हम समूह ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। अब हम विस्तार से इस परिवार के ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे। इसके लिए हम एक चार्ट देखते हैं। जैसे जो 13वां परिवार है, 13वें परिवार का जो पहला सदस्य है बोरॉन, बोरॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NH2NP1। और चूंकि यहाँ अगर बोरॉन के लिए लिखेंगे तो ये 2s2 2p1 होगा, और यदि कॉमन हम पूरे परिवार को लेंगे बोरॉन परिवार को तो NH2NP1 ही होगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगी +3, और इसे हम कहते हैं समूह ऑक्सीकरण अवस्था। साथ ही इस परिवार में हमने देखा कि ये अन्य भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, तो जो अन्य ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 2 इकाई कम करके लिखा जाएगा। जैसे +3 है तो दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। इसी प्रकार हम जब 14th ग्रुप में जाते हैं जो कि कार्बन परिवार है, इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है NH2NP2। तो चूंकि बाह्यतम कोश यानी संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +4, और इससे 2 इकाई कम कर देंगे तो ये दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। साथ ही यहाँ पर ये -4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। जब हम नाइट्रोजन परिवार यानी 15th ग्रुप में जाएंगे तो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2NP3, और संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 5, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, और यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं, और +5 से हम 2 इकाई कम करेंगे तो +3
ऑक्सीडेशन स्टेट तो होगा, साथ ही यहाँ पर ये तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूर्ण कर सकते हैं, तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो कर सकते हैं। अब हम 16 ग्रुप यानी ऑक्सीजन परिवार के बारे में जानेंगे। ऑक्सीजन परिवार में जो प्रथम सदस्य है वह तो ऑक्सीजन है, लेकिन जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है NH2NP4। तो चूँकि यहाँ पर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6, तो सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होगा +6 और 2 इकाई कम कर देंगे तो वो होगा +4। तो यहाँ पर चूँकि बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना अष्टक पूरा कर सकते हैं, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 इकाई अगर 6 से कम करेंगे तो वो होगा +4, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे 17th ग्रुप। तो जो 17th ग्रुप है उसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5। तो ये जो NH2NP5 है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है। और चूँकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर अष्टक पूरा कर सकते हैं, तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। तो जो 17th ग्रुप के तत्व होते हैं वो +5, +3, +1 और -1, ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो जैसा हमने देखा कि जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे जब 2 इकाई कम कर दी जाएगी तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5। इसी प्रकार 18th ग्रुप जो अक्रिय गैसों का परिवार है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP6, तो यहाँ पर अष्टक पूर्ण होता है, तो ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा भी लिख सकते हैं। और चूँकि इसके बंद बनाने की क्षमता नहीं होती है, तो यहाँ पर +6, +4 और +2 वाले भी कई यौगिक इस परिवार के देखे गए हैं। और यहाँ पर ये अष्टक पूर्ण होने के कारण ज़्यादा यौगिक बनाने की क्षमता इस परिवार के सदस्यों की नहीं होती है, लेकिन ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन, इनके कुछ यौगिक हैं प्रकृति में जो +4, +6, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो ये तो पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हो गई, कि पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट में जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसका ऑक्सीकरण अवस्था से क्या संबंध होता है और समूह ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो आपने देखा कि जैसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकते हैं जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इसमें से जब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, 2 इकाई कम कर देते हैं, तो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्ञात हो सकती है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं अलग अलग यौगिकों में। और जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाती है और ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था का मान घटता जाता है। यहाँ पर कुछ यौगिकों के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि थैलियम क्लोराइड और थैलियम ट्राइक्लोराइड। इसमें से ज़्यादा स्थाई कौन सा होगा? तो थैलियम क्लोराइड जो है उसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और थैलियम ट्राइक्लोराइड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो चूँकि 13th, 14th और 15th ग्रुप में हम देखते हैं कि +3, +4, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो थैलियम जो है वो भारी सदस्य होता है, इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्थाई होगा। इसी प्रकार जो समूह 14 है उसमें जो भारी सदस्य है लेड, उसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। और यही कारण है कि प्रकृति में जो लेड डाइक्लोराइड है PbCl2 है वो ज़्यादा स्थाई होता है PbCl4 की तुलना में। और समूह 15 में भी हम देखते हैं कि जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट है उस तरह के यौगिक बनाने की क्षमता ज़्यादा होती है, जैसे +3 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थाई 15 ग्रुप में देखने को मिलती है। अब हम पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उनके कुछ सामान्य व्यवहार के बारे में जानेंगे। इस परिवार में देखते हैं कि धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी होते हैं। और जो पी ब्लॉक परिवार के जो भारी सदस्य होते हैं वे धात्विक प्रकृति के होते हैं, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं अधातु से धातु प्रकृति बढ़ती जाती है। और यही परिवर्तन जो है इस परिवार को थोड़ा दूसरों से भिन्न बनाता है। जो अधातु होते हैं उनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है,
आयनन ऊर्जा का मान होता है ये बहुत अधिक होता है क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। और अधातुओं में देखा गया है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो धातु होते हैं वो धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस परिवार में जो बहुत अधिक सक्रिय अधातु होते हैं, बहुत अधिक सक्रिय धातु के साथ जब यौगिक बनाते हैं तो ये आयनिक प्रकृति के होते हैं। साथ ही अधातु अधातु के साथ क्रिया करके जब यौगिक बनाते हैं तो इस तरह के यौगिक सहसंयोजी प्रवृत्ति या कोवेलेंट नेचर के होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, आयनिक प्रकृति वाले यौगिक बनाने की जो क्षमता है, अधिक सक्रिय धातु एवं अधिक सक्रिय अधातु के बीच जो यौगिक बनते हैं उनकी प्रकृति आयनिक होने का कारण यही है, क्योंकि उनके ऋण विद्युता में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। और अधातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अम्लीय होते हैं या उदासीन हो सकते हैं, लेकिन धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो या तो क्षारी होंगे या फिर उभयधर्मी होते हैं। इस परिवार में जब ऊपर से नीचे आते हैं पी ब्लॉक सदस्यों के लिए, जब हम कंपेयर करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसमें धन विद्युती गुण जो है वो बढ़ता जाता है। पी ब्लॉक तत्व की अगली विशेषता है कि इसका प्रथम सदस्य बाकी सदस्यों से असामान्य या असंगत व्यवहार दर्शाता है। तो सबसे पहला कारण है इसका छोटा आकार होना। जैसे यदि हम बोरॉन परिवार की बात करें तो बोरॉन अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से भिन्न गुण दर्शाता है। इसका मुख्य कारण है कि उसका छोटा आकार, और उसकी छोटे आकार के कारण जितने भी गुण प्रभावित होते हैं, जैसे कि आयनन ऊर्जा, ऋण विद्युता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सब मान भी इसमें उच्च होता है। और बाकी सदस्य जो है वो अलग गुण दर्शाते हैं। साथ ही जो प्रथम सदस्य होते हैं इस परिवार के, इसमें हम देखते हैं कि रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है और इसमें अधिकतम सहसंयोजकता 4 ही होती है। इसका कारण ये है कि इसमें 2s और 2p, यानी 2s का एक कक्षक और 2p में 3, तो टोटल कक्षकों की संख्या 4 ही होती है, तो इससे ज़्यादा विस्तार नहीं हो सकता। तो संयोजी कोश में डी ऑर्बिटल के ना होने के कारण ये अधिकतम सहसंयोजकता केवल 4 ही दर्शा सकते हैं, जबकि बाकी जो सदस्य होते हैं उसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है तो वे 4 से अधिक सहसंयोजकता दर्शा सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे कि बोरॉन परिवार में ही बोरॉन ट्राईफ्लोराइड बनाते हैं आयनिक, तो BF4-, तो यहाँ पर ये 4 सहसंयोजकता दर्शाते हैं, जबकि एल्यूमिनियम का जो हेक्साफ्लोराइड है AlF6-, वो सहसंयोजकता 6 दर्शाते हैं। यहाँ पर जो पहला सदस्य है जिसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, तो ये इसके जल अपघटन को भी प्रभावित करता है। जैसे कार्बन के टेट्राहेलाइड का जल अपघटन नहीं हो पाता है, वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जबकि बाकी जो 14 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है कार्बन के अलावा, वे सभी जल अपघटित हो सकते हैं। यहाँ पर जो पहला सदस्य है वो बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति भी रखते हैं, यानी कार्बन अपने दूसरे परमाणु कार्बन के साथ कई प्रकार के बंध बना सकता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, साथ ही कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। तो जो प्रथम सदस्य होता है उसमें पी पाई बॉन्डिंग बनाने की क्षमता होती है। जो भारी सदस्य होते हैं ना इस परिवार के, उसमें डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर Pπ-Dπ बॉन्डिंग बनाने की प्रवृत्ति या Dπ-Dπ बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन हम ये जानते हैं कि P कक्षक की तुलना में जो D कक्षक होते हैं उसकी ऊर्जा उच्च होती है, तो यहाँ पर बनने वाला जो Pπ-Dπ बॉन्ड है वो कम स्थायी होता है। तो जो समान ऑक्सीकरण अवस्था वाले प्रथम सदस्य की तुलना में जो भारी तत्व होते हैं उनकी उपसहसंयोजन संख्या अधिक होती है। यहाँ पर हम NO3- यानी नाइट्रेट आयन और फॉस्फेट आयन को देखते हैं। तो NO3- और PO4-, दोनों में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, लेकिन नाइट्रोजन में केवल पी ऑर्बिटल है, तो इसलिए यहाँ पर जो सहसंयोजकता है वो 3 होगी।
और जो फॉस्फोरस है, चूँकि यहाँ पर एस पी डी सभी भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो उपसहसंयोजन संख्या है वो 4 होती है, जबकि नाइट्रोजन में जो उपसहसंयोजन संख्या है वो केवल 3 होती है। इस अध्याय में हमें 13वां समूह और 14वां समूह, इनके बारे में विस्तार से जानना है। तो अब हम प्रारंभ करेंगे बोरॉन परिवार से। बोरॉन परिवार नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि पहला सदस्य इसमें बोरॉन है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इस परिवार का वह है NH2NP1, यानी P में एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और S में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो इस पूरे परिवार के जो सदस्य हैं उसको हम पहले जानेंगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता है 5, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, गैलियम का परमाणु क्रमांक है 31 और इंडियम का परमाणु क्रमांक होगा 49, जबकि थैलियम का परमाणु क्रमांक होता है 81। तो इस तरह से इस पूरे परिवार में हम देखते हैं कि परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता जाता है और एक निश्चित क्रम में बढ़ता है। यदि इस परिवार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाते हैं केवल बाह्यतम कोश को लेते हुए, तो यदि हम हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर देंगे बोरॉन के केस में, तो हीलियम लिखना है अक्रिय गैस के रूप में, और बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 2s2 2p1। इसी प्रकार यदि हम एल्यूमिनियम में 10 इलेक्ट्रॉन को नियॉन से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर एल्यूमिनियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा नियॉन और 3s2 3p1। अगला है गैलियम। गैलियम में 31 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन को ऑर्गन से रिप्लेस कर देंगे और 3d10 4s2 4p1 होगा। इसी प्रकार इंडियम, इंडियम में 49 इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें 36 इलेक्ट्रॉन को क्रिप्टॉन से रिप्लेस कर देंगे और बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 4d10 5s2 5p1। थैलियम परमाणु क्रमांक होगा 81, तो इसमें ज़ेनॉन से रिप्लेस कर दिया जाएगा 54 इलेक्ट्रॉन्स को। शेष जो बचा है उसमें 4f14 5d10 6s2 और 6p1। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये ऊपर से नीचे आने पर हम बना सकते हैं बाह्यतम कोश के लिए। अब इस पूरे परिवार की जो उपलब्धता है प्रकृति में उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो बोरॉन है वो अधात्विक प्रकृति का होता है और एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम इन सब में धात्वी गुण होता है। भूपरपटी पर इनकी जो मात्रा है यदि PPM में या पार्ट्स पर मिलियन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बारे में ये कहा जाता है कि यह ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगर भार की दृष्टि से एल्यूमिनियम को देखा जाए तो ये भूपरपटी पर 8.3% पाया जाता है और यदि PPM में इसकी मात्रा लेते हैं तो 81,300 है। जबकि हम देख रहे हैं कि बोरॉन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, गैलियम 15 PPM है, इंडियम 1 PPM है और थैलियम 0.3 PPM होता है। बोरॉन के अयस्कों के बारे में हम जानेंगे कि बोरॉन किन किन अयस्कों के रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं। ऑर्थोबोरिक अम्ल एक अयस्क होता है जिसका सूत्र है H3BO3। इसी प्रकार बोरेक्स के रूप में पाया जाता है Na2B4O7.10H2O। कर्नाइट एक अयस्क है बोरॉन का जो Na2B4O7.4H2O के रूप में पाया जाता है। बोरेक्स लद्दाख में जो पूसा घाटी है वहाँ पाया जाता है, साथ ही राजस्थान में सांभर झील में ये पाया जाता है। बोरॉन बहुत कम प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है, लगभग 0.001% से भी कम मात्रा में बोरॉन पाया जाता है। बोरॉन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक 10 और एक 11 परमाणु भार वाला। तो जो 10 परमाणु भार वाला बोरॉन का समस्थानिक है वो 19% पाया जाता है और जो 11 परमाणु भार वाला बोरॉन का समस्थानिक है वो प्रकृति में 81% पाया जाता है। एल्यूमिनियम भी कई अयस्क के रूप में प्रकृति में पाया जाता है। जैसा हमने देखा कि एल्यूमिनियम काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कुछ इसके अयस्क हैं। जो सबसे मुख्य अयस्क जिसे हम बॉक्साइट कहते हैं, इसका सूत्र है Al2O3.2H2O।
इसी प्रकार क्रायोलाइट Na3AlF6 और माइका, जिसे हम अभ्रक भी कहते हैं, तो इसका सूत्र है K2O3Al2O3.6SiO2.2H2O। तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है माइका, और प्रायः देखा गया है एल्यूमिनियम के जो अयस्क मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, इन सभी जगहों पर पाया जाता है। एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है जो कोरंडम के रूप में जाना जाता है, Al2O3, और ये एक कीमती पत्थर होता है। तो ये जो कीमती पत्थर है, जिसे आपने देखा होगा कई बार अंगूठी के रूप में पहनते हैं, अलग अलग नाम दिया जाता है, नीलम, पुखराज, माणिक, ये सभी जो है वो एल्यूमिनियम का ही एक रूप है कोरंडम, उसका ही भिन्न भिन्न रूप कहा जाता है। तो पीला पुखराज ले लें या फिर माणिक, पन्ना, ये सभी कोरंडम के ही प्रकार होते हैं।